भूखे मार दिए और भगा भगा के थका दिए। अरे शेख चिल्ली, याद रहेगी आज की दावत, कभी जिंदगी में नहीं खाई इस दावत। अरे भाई, घर में हो, बाहर आओ। शेख चिल्ली, अब क्यों आया, अब क्या कर रहा है यहाँ? मैं तो माफी मांगना आया भाई जान, माफी दे दे मुझे, माफी दे दे। अबे तू जा, चला जा यहाँ से, अभी किसी को बुला के तेरी हड्डी तोड़वा दूंगा। मैं माफी तो मांग रहा भाई जान इतनी। अबे तू जा रहा ना, जा रहा? अरे भाई जान सुनना जरा, भाई जान माफी नहीं कर रहा। क्या बात होगी रफी? अजी वो शेख चिल्ली आया था बेवकूफ सा। अबे वो बहुत पागल आदमी है, उसका बाप बहुत शरीफ आदमी है, मरन दे उसको। जा तू अपने घर जा, ठीक है? चलो ठीक है। अरे रफीक। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया रफीक, मैं अपने शेख चिल्ली के लिए तुझसे माफी मांगने आया हूँ। भैया चाचा माफी की कोई बात नहीं है, आ जाओ, खाना तैयार है, खाना खा के जाना। बेटा खाना तो मैं घर जाके खा लूंगा, पर तू मुझे माफ कर दे। चलो माफ तो कर दिया, पर खाना बना रखा है, खाना खा के जाना। कोई बात नहीं बेटा, तू खाना खा, ठीक है? कोई बात नहीं चाचा, बड़े हो आप। अबे इन बाप बेटों ने दिमाग खराब करके रख दिया। ओए नासिर भाई, तू फिर आ गया, अपनी कोई कसर रह गई? डरो मत, डरो मत भाई जान, मुझे माफ कर दो भाई जान, मैंने आपको बहुत सताया, मुझे माफ कर दो मुझे। भैया काहे की माफी है, तू चला जा मेरी आंखों के सामने, तो बिल्कुल मेरी आंखों में खून खोल रहा, चला जा बस, तू निकल जा, निकल ले। हाँ माफी मांगने वाला सर यार, निकल जाऊँ। शर्म नहीं आई से माफी मांगना आया? अबे ऐसी दावत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी और कभी आगे देख भी नहीं पाएंगे। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या बात है, दोनों बाप बेटे घर से सलाह करके आए थे आज, आओ बैठो बैठो। नासिर भाई, जो मैंने और मेरे लड़के ने आपके साथ किया है, मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम उसे माफ़ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, माफ़ किया, लेकिन देखो बात माफ़ करने वाली तो थी नहीं। वैसे तो ठीक हो ना? ठीक है, आप अपने घर जाओ, कटे पे नमक मत छिड़को। ठीक है ठीक है, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ, माफ़ किया। माँ पे धी पिता पे छोरा, ज्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा। जब भी घर में खाली सोती है, सॉरी है, खड़ी हो। ये बदतमीजी नहीं छोड़ोगे? चल रोटी ला दे। लाती हूँ अभी, पूरा कूलर के मजे ले रही है। हाँ हाँ, अब तुम भी ले लो। ये लो। अबू कहाँ गए रुखसाना? अबू बाहर कोई गए हैं। अबू भी रोटी खा लेते हैं। पहले तुम तो सटक लो, अबू भी खा ही लेंगे। खा ले रुखसाना, तुम ही खा लो। सारंद बढ़िया पकाया। अबे शेख चिल्ली, अबू हाँ कहाँ फिर रहे उधर उधर, रोटी खा लो। फिरने की सुन ले, तेरी गलतियों की माफी मांगता फिर रहा हूँ। अबे कमबख्त मारो, कुछ काम धंधा देख ले। बाबू जब काम ही नहीं था क्या करूं, तू बतला, कर लूंगा मैं तो। अबे वो शब्बीर है ना? सबरू। हाँ शबलू। सबरू सबरू। हाँ शबरू शबरू। हाँ वो ढाबा चलाता, ढाबा साजा मिलानो कह रहा, तू कह तो मिला लूं। साजा कर ले, साजा मिलानो कह रहा। हाँ करने की सुन ले, उसका तो चल रहा ढाबा। बार एक बात है अब्बू। हाँ साजा करूंगा तो शेख चिल्ली के नाम से ढाबा करूंगा। हाँ हाँ मेरी सारी बात हो गई है, वो तैयार है। ठीक है ना, मैं भी तैयार हूँ। हाँ फिर चल। चलो मैं तो रोटी भी नहीं खा रहा। चल आ जा। चलो और सुनो, जब शाम को आओ ना तो मेरे लिए भी मटर पनीर लाना, बढ़िया सा। काम चलानी साली, पहले मटर पनीर खा ले। दावा चलानी, दावा चलानी, पहले मटर पनीर खा ले। जो बैठी रहा हम तो टांग मत फसावे। आ बेटा चल काम कर। इनका तो अल्लाह ही मालिक है। असबीर भाई। हाँ भाई जान। भाई एक बात सुन ले, मैं सालन पर रहूंगा, पैसे मैं रखा करूंगा। ठीक है भाई जान। और अब्बू तुम्हारा काम है बर्तन धोने का, प्लेट साफ करोगे? क्या मैं बर्तन दूंगा? ओए मैं बर्तन नहीं दूंगा। मैं डर क्यों रहे अब्बू, एक बार सुनो, इतने कोई आदमी ना मिले इतना कर लो, ये तुम्हारी छुट्टी। तो सबीर भाई ठीक कह रहे हो भाई जान, चाचा जब टाइम मिला करेगा तो हम धो लिया करेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक क्या खा गए, बर्तन साफ करो, चलो प्लेट साफ करो, चलो आंखें मत दिखाओ।
जल्दी धो, साफ करके धोइयो, ठीक है खा गए, जल्दी धो। अबू सब्जी खराब कर रहा, वो नहीं हुई नहीं अभी। आराम से धो लो, धो लो साफ करियो अच्छी तरह से। अरे है बर्तन फोड़ेगा अबू। काम तो अच्छा मिल गया, दोनों बाप बेटे भी एक साथ रहेंगे, शेख जी भी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। या मेरे मौला, इस काम को ऐसी बनाए रखना, अपनी रहमत ऐसी बरसाते रहना। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे शेख जी, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ऐसे ही कर रहा हूं, तो खाना चेक कर रहा हूं, अगर गलत बन गया तो क्या पिटवाऊंगा ग्राहकों से? तुम अपना काम कर। चलो ठीक है। अबे क्या चाहिए? नली पाया भेजा ले जी गुरुदे, क्या चाहिए? अब एज में चाहिए कुछ? शेख चिल्ली, हाँ भाईजान, प्लेट तो गंदी है यार, ये प्लेटें गंदी है अबू। हाँ बेटा। हाँ बेटा, मैं प्लेट कैसे धो रहा हूँ? ग्लास सारा गाली दे रहा। धो तो रहा हूँ। हमें साला बता रहा, हमें गाली दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, बेटा रहा, अभी पूछवा रहा हूँ। हाँ तो भाईजान, आप बोलो आपको क्या चाहिए? भाईजान मुझे तो दो पाए निकाल दो। हाँ भाई जान, निकालो। ठीक है भाई जान, बैठो। ठीक है शेख जी। भाईजान, दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में। साला ये कह रहा है, दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में, मुझे नहीं खाने ऐसे पाए। अबे ग्राहक भाग गया। अबे भाई रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूँ। अबे भाईजान रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूँ। ओ भाई मुझे ना खाने ऐसे पाए। अबे साला ग्राहक ही भाग गया। शेख जी, हाँ। वो ग्राहक ही भाग गया। बता ग्राहक ना भागता है, तुम भी देर लगाते हो, प्लेट बिल्कुल तैयार थी पाएगी। चला जा घर, कोई बात ना, भागे तो भाग जाते, तो अपना काम कर, सलाद काट ले। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने होटल में एक मुजरे का प्रोग्राम रखो, सारे कस्टमर वापस आ जाएंगे। मैडम जैसा पहले ऐसा होगा। ओके।
अबू। हाँ बेटा। प्लेट साफ नहीं हुई, प्लेट मांग रहे ग्राहक, प्लेट दो। अबे कब तक प्लेट धोऊंगा मैं, तू तो कह रहा वो बर्तन धोने वाला लगा लूंगा, अबे कब तक धोऊंगा बर्तन। अबू थोड़े दिन की बात है, प्लेट वाला लगा लेगा, दे प्लेट, दे दे प्लेट। शेख जी, पैराडाइज होटल वाले हमसे चिढ़ रहे हैं। चिढ़ने दे, तुम अपने काम को बढ़ाओ, मगर एक बात सुन ले, प्लेट वाला टहलो कोई, अब्बू नगरे कर रहा, अगर अब्बू भाग गया तो काम पिट जाएगा बेटा, या तो प्लेट तुझे धोनी पड़ेगी या मुझे। सही कह रहे हो शेख जी, प्लेट धोने वाले का इंतजाम करना पड़ेगा, अब्बू तो प्लेट भी ऐसे मारे टेबल पे, धड़ाक देनी सी जैसे हथौड़ा मार रहे हो। सही कह रहा सबरू, अगर ग्राहक किसी में मार दी तो होटल हमारा बंद हो जाएगा। सादा भाई, शेख के ढाबे में खाना तो टॉप का बनता है, अब खा भी बहुत दिन लिया, अब मैंने सुना है कि पैराडाइज वाले मुजरा कराते हैं, आज शाम का खाना पैराडाइज होटल में खाएंगे। यार वो डांसर बहुत टॉप की गई है, आज उसी का डांस देखेंगे। हाँ शेख जी, क्या होगा, ग्राहक आने बंद हो गए। सबरू भाई, सबरू भाई। हाँ शेख भाई, पैराडाइज वालों ने क्या मुजरा करवाना चालू कर दिया। हाँ भाई जान, ऐसे तो ग्राहक एक भी नहीं रहेगा हमारे पास, हम कब तक मक्खी मारेंगे। सबरू भाई, हाँ यार मैं भी कितना कमीना आदमी, अबे जिस दिन से ढाबा खोला पूजा प्लेट धुलवा लिया। शेख भाई, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है अंदर से, तुम एक काम करो, चाचा को गल्ले पे बैठा दो, पलेटे मैं धोऊंगा। गल्ला गल्ला, बापू को कौन सी गल्ले कोल्ड में घुसा दूं, काम चल नहीं रहा।